हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. हियर दिस इज प्रियंका शर्मा. आई एम कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन, वर्किंग विद रुंगटा ऑर्गेनाइजेशन इन द डिवीजन आयरन एंड स्टील. एज यू पीपल आर अवेयर ऑफ द न्यूज विद रेस्पेक्ट टू अनटाइमली डिमाइस ऑफ आर बिलवड सर सी अश्वनी पुरोहित, तो बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि अब सर नहीं रहे तो डेबिट गुरु चलेगा नहीं चलेगा, वेदर इट विल ऑपरेट और नॉट, और चलेगा तो कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा. तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये एड्रेस करना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि आप घबराएं मत, सर चले गए हैं, ये लॉस जितना आप लोगों को है उतना हमें भी है, हम सबको है. बट एज कोटेड बाय वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हु डाइड फ्यू वीक्स अगो, डॉक्टर के अग्रवाल, ही सेड, ही कोटेड दैट द शो मस्ट गो ऑन. सर को अपने डेबिट गुरु से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, वो अपने स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करते थे. इवन ही डोंट यूज टू गिव टाइम टू हिज फैमिली व्हेन ही यूज टू वर्क फॉर यू ऑल. हम इतने दिनों से आपको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे बिकॉज एवरीथिंग इज इन अ मेस, तो अभी बहुत सारी चीज़ें सही हो रही है, हमारी टीम पूरी लगी हुई है. हम बहुत दुखी थे, बहुत ग्रीफ में थे, इस बेसिस पे आपको आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाए. आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, वी वर सीइंग टू इट. तो आपने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, थैंक यू सो मच. आज सर तो नहीं है बट हाँ, उनकी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है. वी हैव वेरियस रेनाउंड प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद अस, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, एक्स स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं. तो आपके आपका सपोर्ट रहा, आप सभी का सपोर्ट रहा, तो हम अपने डेबिट गुरु चैनल को, अपने डेबिट गुरु प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, इसका स्कोप और वाइडर करेंगे और आपके लिए बहुत अलग अलग तरह की चीज़ लेकर आएंगे. हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इसी चीज़ में ही लगी हुई है कि हम आपकी मदद कैसे कर पाएँ और इनोवेटिव और इनोवेशंस हम कैसे आपके लिए लेकर आ पाएँ. तो इस हार्श टाइम में आप लोगों ने हमें इतना कोऑपरेट किया, इतना सपोर्ट किया, उस चीज़ के लिए आई एम सो मच थैंकफुल टू यू ऑल, आई अप्रिशिएट यू ऑल फॉर दिस. और बाकी आप लोगों के लिए पूरी उनकी टीम खड़ी है, आपको जब ज़रूरत हो वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर यू. आपकी क्वेरी हर कोई रिजॉल्व करेगा. इनफैक्ट और एक प्रोफेशनल हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी टीम से जुड़ रहे हैं, उनका नाम है सी एस सौरभ शुक्ला. वो अपना इंट्रो भी देंगे आप लोगों को, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है अपने फील्ड की, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल. तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग एनी अकाउंट्स, कॉस्ट, FM, एनीथिंग विच वॉट एवर, आप डायरेक्टली सौरभ से बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप ऋचा से बात कर सकते हैं, जो भी फैकल्टीज, प्रियंका काबरा की वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपको कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं. वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7. कुछ क्वेरीज भेल के बच्चों की आ रही थी कि मैडम हम बुक्स पढ़ें कि नहीं, तो सर ने भी बच्चों ये बोला था आपको और मैं भी बार बार यही बोल रही हूँ कि मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे ना आपको क्वालिफाई करने के लिए, वो आपके टेक्निकल पोर्शन से ही पूछे जाएंगे और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो आपको MCQs उसके लिए, आपके लिए हम लोगों ने बहुत सारे MCQs लेकर आए हैं. हम लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज डेली पब्लिश करते हैं. आप लोग, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स देखते हैं कितने स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको डेली अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस क्विज मिलेगी. और उससे क्या होगा, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कोई भी रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और अप टू डेट हो रहोगे जनरल अवेयरनेस में. और बाकी हमारे पास 5000 MCQs है, दे आर मोर देन एनफ, आप जितना चाहे उसको सॉल्व करो. बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं वो सॉल्व करो. और रिगार्डिंग बुक पढ़ने की, तो बच्चों आप बुक भी पढ़ सकते हो. अगर आपने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अपने नोट्स पढ़ लिया, अपने लेक्चर्स पढ़ लिया, अपने MCQ सॉल्व कर लिए टेस्ट, अब जब आपके पास टाइम बचा है तो डेफिनेटली आप बुक भी पढ़ सकते हो. ये कोर्स जो है बहुत वास्ट है, ये लोग कहीं से भी पूछ सकते हैं. बिकॉज अगर आपने नोटिस किया होगा तो इनका जो सिलेबस आया था उसमें एक्सेट्रा लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट दे कैन आस्क एनीथिंग. तो एनीथिंग का मतलब है अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे हैव
गिवन यू दे कैन आस्क एनीथिंग, बट कितना पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। बट मोस्टली क्वालिफाई करने के लिए आपको टेक्निकल पोर्शन से ही क्वेश्चन करे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम भेल के एग्जाम्स कब होंगे और FCI के एग्जाम्स कब होंगे, इसके एग्जाम्स कब होंगे। तो आप ये समझो कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अभी लॉकडाउन चल रही है, तो अनलेस एंड अंटिल ये लॉकडाउन खत्म होता है, डिपार्टमेंट्स, नो डिपार्टमेंट विल कम आउट ऑफ एनी सर्कुलर विद दिस रेस्पेक्ट। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, आप प्लीज अपना टाइम इसी चीज में जाया करें तो अच्छा रहेगा, सो दैट यू कैन क्लियर एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ रिनाउंड पोस्ट। एक पोस्ट आई थी अभी, वैकेंसी आई थी NFL अकाउंट्स ऑफिसर की, तो बहुत लोग इंटरेस्टेड थे इसके अंदर में। बहुत लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया था कि हम इसको कैसे पढ़ें, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, ये कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर में। तो हमने अपने सोर्सेज से बात करी है, तो एज पर देम ये जो कोर्स है, इन लोगों ने ये जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसी है, इन लोगों ने 5 इयर्स के बाद लॉन्च करी है। और अगर बल्क में एप्लीकेशन इन लोगों के पास में नहीं जाते तो ये लोग डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही कॉल करेंगे स्टूडेंट्स को, ये लोग कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट करेंगे। बट अगर बल्क में एप्लीकेशन जाते हैं इन लोगों के पास में, तो टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली 150 मार्क्स के होंगे टेस्ट, जिसमें से रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, GK, जनरल अवेयरनेस, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, वो आपको आपके 50 मार्क्स के होंगे। और बाकी जो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जो अकाउंट्स, कॉस्ट, FM, इकोनॉमिक्स और लॉ, ये सब जो चीज़ें हैं, वो आपके 100 मार्क्स के होंगे, ये जो कोर एरियाज हैं। क्योंकि आप CA CMA हो, तो आपके लिए जो कोर एरियाज हैं वो यही सब हैं, तो आप बेसिकली उस चीज़ में ही फोकस करो। अगर आप FCI के लिए भी रजिस्टर्ड हो हमारे पास, तो आप जैसे FCI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वैसे ही आप NFL के लिए भी प्रिपेयर करो। और अगर जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करना चाहते हैं NFL अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, वो हमारे FCI कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी इसमें, अगर सपोज करो एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं जाते उन लोगों के पास में, ठीक है, तो वो लोग डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और किस टाइप के कैंडिडेट्स वो लोग चूज़ करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मुझे सोर्सेस से ये पता चली है। तो उन लोगों ने बोला है कि प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेंगी जो प्रैक्टिकली साउंड होगा, जो लोग अकाउंटिंग में और अकाउंटिंग नॉर्म्स एंड कंप्लायंसेस में, लाइक टैक्स में अपडेटेड हैं, NDAs वगैरह उन लोगों को आता है, तो उस चीज़ के अंदर में जो प्रैक्टिकली साउंड है, उन लोगों को वो लोग प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद ये बता दूं आपको कि NFL कभी भी अपना कट ऑफ मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करता, तो मैं आपको ये चीज़ नहीं बता पाऊंगी कि उनका कट ऑफ मार्क्स क्या है क्या नहीं। और आप अगर इसको इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर FCI, तो आपके लिए अच्छा होगा, आप अप्लाई कर सकते हो। आप मैं तो यही कहती हूँ कि अप्लाई करके छोड़ दो, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। आप को अगर डायरेक्ट कॉल आए तो वेल एंड गुड, अगर टेस्ट हो तो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। अब बहुत लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं रिगार्डिंग OPTCL का जो MT का जो पोस्ट निकला है उसके लिए। तो ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है बच्चों, तो चलिए एक बार मैं आपको वो सर्कुलर दिखा दूं। ये इसका सर्कुलर दिखा दूं मैं आपको, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिख पाए आपको। आई गेस दिख रहा होगा, यस। तो बच्चों लास्ट डेट जो है इसका सबमिशन का 13 जून 2021 है, ये आप दिमाग में रखना। वैकेंसी जो निकली है, मोस्टली हमारे जो कैंडिडेट्स हैं सारे MT फाइनेंस वाले हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 3 सीट्स यानी 3 वैकेंसीज आई हैं। अगर आप MBA हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप CS हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ट्रेनिंग का पोस्ट है और ये आपका डिजेबल्ड कैंडिडेट्स लोगों के लिए है, जिन लोगों का
40% जो है सॉरी नॉट लेस देन, अगर जिसका 40% डिसेबिलिटी है वो अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता है। अब आपको इनिशियली स्टाइपेंड ये लोग देंगे 24,000, 24,000 की स्टाइपेंड मिलेगी आपको, और एटलीस्ट आपको एक साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी मिनिमम। ये देखिए मिनिमम 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद ये चाहेंगे तो आपको रेगुलराइज कर सकते हैं और आप अपॉइंटेड हो गए एज एन असिस्टेंट मैनेजर E3 ग्रेड के, ठीक है, जिनकी सैलरी होगी बेसिक 51,600। और भी बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह हैं, HRA और ये सब अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। तो ये जो है ये ट्रेनिंग जो कंडक्ट ये लोग कर रहे हैं ये आपकी मिनिमम 1 ईयर की होगी। ये लोग चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये लोग चाहें तो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए आप, आपका एक सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड बनेगा, नीचे आइए। अब अगर आप MT फाइनेंस में अप्लाई करें तो आपको CACM में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप MBA हैं तो आप इस में फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्रीगेट जो परसेंटेज है 60% होना चाहिए। SC ST के अंदर में 50% है। अगर आप लॉ एग्जाम्स वगैरह आपने पास किए हैं तो डिग्री ऑफ लॉ होना चाहिए आपके पास में। CS हो आप, कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आप इसके अंदर में कर सकते हो। आपकी जो एज है मिनिमम 21 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 इयर्स होना चाहिए। ये जो एलिजिबिलिटी एज ऑन कट ऑफ डेट देखा जाएगा, दैट इज़ 1 मई, जितनी भी एलिजिबिलिटी है ये जो एज की एलिजिबिलिटी है वो एज ऑन कट ऑफ डेट 1 मई का देखा जाएगा। इन इन लोगों को एग्जेम्पशन मिल सकते हैं, जैसे वुमेन को मिल रहा है 5 ईयर्स का एग्जेम्पशन, शेड्यूल कास्ट इन लोगों को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट और ST/SC/BC कैंडिडेट्स जो हैं अगर अनरिजर्व में अप्लाई करते हैं तो उनको ये एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, उन लोगों के लिए कोई एग्जेम्पशंस नहीं है। ये रिजर्वेशन के रिलेटेड है, जो लोग डिजेबल्ड कैंडिडेट्स हैं वो लोग, उन लोगों के लिए कुछ नॉर्म्स हैं ये, ठीक है। ये आपको जब अपॉइंट करेंगे ये लोग तो आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह चेक करेंगे आपका। आप अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, यानी आप OPTCL के डिपार्टमेंट में ही अगर कहीं हो तो उस केस में आप कर सकते हो, उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय हो, यानी आप किसी एजेंसीज ने आपको अपॉइंट कराया ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तब आप आपकी क्राइटेरिया अबव में लिखी हुई है किस हिसाब से आप अप्लाई, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ आ जाओ, ये सबसे मेन चीज़ है। आप इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, तो पता ही है हम तो हैं ही इंडियन सिटीज़न, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और आपको उड़िया लिखना पढ़ना पूरा आना चाहिए, और आपने इन सारी एग्ज़ाम्स वगैरह, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट हुए हैं, अगर आपने नहीं क्लियर किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। उड़िया मीडियम में जो आपका मैट्रिकुलेशन वगैरह है वो उड़िया मीडियम में होना चाहिए। अगर आपने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन जो पास करा है वो उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये सारे देख लेना आप कि उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट में होना चाहिए। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8 जो है फ्रॉम अ स्कूल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। नीचे आ जाओ, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यानी आपका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, कितने मार्क्स के टेस्ट होंगे, 200 मार्क्स के टेस्ट होंगे डियर, 200 मार्क्स के टेस्ट होंगे, बहुत सारे आपको MCQs ही पूछे जाएंगे, जिसमें से जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी अगर आप फाइनेंस के लिए करते हो तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज हो गया FM, कॉस्ट, अकाउंट्स, टैक्स, ये जो है ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, इकोनॉमिक्स, ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज हो गया 80%, यानी 160 मार्क्स के जो पेपर आएंगे वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से ही पूछे जाएंगे। और जो न्यूमेरिकल GK रीजनिंग है वो आपके 10% हैं, 10% के हैं, यानी 20 मार्क्स के जो हैं वो इससे पूछे जाएंगे, और 20 मार्क्स के आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और सिलेक्शन देख लो आप, देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा एक आपका बिफोर पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे, और 1:3 के रेशियो में MT फाइनेंस एंड 1:5 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा। आप का जजमेंट कैसे होगा
80% जो ये लोग जज करेंगे वो आपका टेस्ट से होगा, और 20% जो जज करेंगे वो आपका पर्सनल इंटरव्यू से होगा। 50% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट, यानी मिनिमम पासिंग परसेंटेज 50 है और पर्सनल इंटरव्यू में 40% है। ये फीस है आपकी, आप देख लो किस हिसाब से फीस है, ये आपका नॉर्म्स है, कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है। नीचे आ जाओ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भुवनेश्वर में बहुत सारे सेंटर्स दिए जाएंगे, और आप सही से देख करके भरिएगा, बिकॉज एक बार भरने के बाद ये चेंज नहीं होंगे। आ जाओ नीचे जनरल इंफॉर्मेशन में, आप ये सब जो है आपके पास जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उड़ीसा टेस्ट, उड़िया टेस्ट पास सर्टिफिकेट वगैरह, ये आपके पास अपने पास रखना। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ, ये सब कुछ नहीं है। आपको कहीं भी आपको पोस्ट कर सकते हैं आफ्टर योर अपॉइंटमेंट इन उड़ीसा, और मैनेजमेंट के पास पूरा राइट है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल करने का। ये आप अप्लाई कैसे करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, काइंडली इसको गो थ्रू करें और सही से अप्लाई कर दें। और नीचे आ जाइए आप, अगर आपको कोई क्वेरी हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी कोई पेमेंट में प्रॉब्लम आ गई है, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो इसके। और याद रखना लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 13 जून, वो भी 11:59 PM विल बी द लास्ट टाइम। तो हर एक चीज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए आप, और मेहनत करिए और मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं आप लोगों के लिए लाने का, सो दैट आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाए। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि किसी को खोना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ज़रा सी भी असावधानी जो जिसको बोलते हैं, प्लीज़ डोंट गो टू दैट, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए एंड फॉलो द लॉकडाउन प्रिंसिपल्स। कोई भी क्वेरी हो आपको, आप डायरेक्टली रिचा को कॉल कर सकते हो, उससे किसी भी फैकल्टी का नंबर ले सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सौरभ को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा नंबर सब रिचा के पास है, आप काइंडली उनसे ले लो। और आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और हमें भी मोटिवेशन चाहिए अभी, हमें भी मोटिवेशन देते रहो, हम भी आपको मोटिवेशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।